गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 14 क्या है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो हम लोग देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, तो डेटा का कलेक्शन कैसे करते हैं हम लोग? किसी भी, जैसे अगर 20 या 10 स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके मैथ्स के मार्क्स, जो मैथ्स के मार्क्स टोटल मार्क्स हम लोग ले लेते हैं, मैथ्स में टोटल मार्क्स, मैथ्स में मार्क्स का लेते हैं, मैथ्स में 20 मार्क्स दिया, उसमें से कुछ स्टूडेंट जो 20 स्टूडेंट हैं तो उनके मैक्सिमम मार्क्स अगर 20 हैं तो उसमें से जो स्टूडेंट मार्क्स पाए हैं जैसे 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरीके से 20 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो इनका कलेक्शन करना है। क्या क्या करता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, और इसके बाद जो डेटा कलेक्ट करके रखते हैं उस डेटा का हम लोग फ्रीक्वेंसी, जो हमारा सेकंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसमें हम लोग क्या करते हैं डेटा को कलेक्ट करते हैं पहले। तो जो एक्सरसाइज 14.1 है इसमें पूरे क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन हम लोग को दिया है। एक क्वेश्चन में ये दिया है कि आप डेटा को कलेक्ट करें, तो वो डेटा को कलेक्ट करने का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नहीं करना है। आप किसी भी डेटा से स्टूडेंट्स का लेकर डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा ये देखते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डेटा टेबल होते हैं ना उस डेटा से एक टेबल बनाते हैं, उसका टेली मार्क्स भी लिखते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो भी वैल्यू है तो उसका हम लोग लिखते हैं। तो उस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाता है। एक्सरसाइज 14.2, एक्सरसाइज 14.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है एक्सरसाइज 14.2 का? क्वेश्चन गिवन है द ब्लड ग्रुप ऑफ द 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लास 8 के 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया गया है और उस ब्लड ग्रुप में ए बी ओ और ए बी इस तरीके से ब्लड ग्रुप है। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसी डेटा को हम लोग को किस में बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बना रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग इस डेटा का किस तरीके से बनाएंगे? क्या गिवन है हमें? ब्लड ग्रुप गिवन है, तो हम लोग इसको एक टेबल बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं? ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप डायग्नोस, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। सेकेंड टेली मार्क्स हम लोग उसमें बना लेते हैं ना। टेली मार्क्स। थर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग को क्या गिवन है? स्टूडेंट, तो टोटल हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट देंगे कौन से ग्रुप के कितने स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब इसमें हम लोग का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप गिवन है? ए ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है और ए बी ब्लड ग्रुप है। ये तीन चार ब्लड ग्रुप गिवन है।
इसमें हम लोग को काउंट करना है। अब काउंट कैसे करेंगे, जो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन जो डेटा गिवन है उसमें हम लोग ए देखेंगे, ए कितने टाइम्स है, दैट मींस ए ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट है, तो हम लोग उसको पूरा काउंट करेंगे। तो ए के पूरे काउंट करने के बाद कितने आएगा, 9, दैट मींस उसमें 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। तो पहली बॉक्स कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनाते हैं, ये 5 हो गया और 4 और 9 होना चाहिए, तो 3 4 ये 9 हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 9। ऐसे बी को काउंट करेंगे, बी कितने टाइम्स है, तो बी 6 टाइम्स है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 6 स्टूडेंट। ऐसे ओ को काउंट करेंगे, ओ कितने टाइम्स है, ओ 12 टाइम्स है, इसमें पूरा आपको एक एक काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 2 12, तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 12 स्टूडेंट। अभी गाते हैं एबी, एबी वाले कितने स्टूडेंट हैं, एबी कितने स्टूडेंट हैं, 3, तो इसमें कितने होंगे, 3। लास्ट में आपको क्या करना है, टोटल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टोटल, क्योंकि टोटल फाइंड करने से आपका पता चलेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहीं गलत तो नहीं है। तो टोटल फाइंड करेंगे, 9 6 15 15 27 27 प्लस 3 30, तो ये कितना है, 30 स्टूडेंट। और हम लोग को क्वेश्चन में कितने गिवन थे, 30 स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप रिकॉर्डेड है, तो ये 30, अगर ये गलत आता है दैट मींस आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में गलती है। इसमें इसके आगे भी क्वेश्चन दिया गया है, अब हम लोग इसमें और भी दो क्वेश्चन गिवन है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है और रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, 12, दैट मींस ओ, ओ ब्लड ग्रुप क्या है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है, और रेयर ब्लड ग्रुप क्या है, एबी, 3 है, तो रेयर ब्लड ग्रुप क्या होगा, एबी। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप ओ और रेयर ब्लड ग्रुप एबी। अब हम लोग ऐसे ही और भी क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आई स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, दैट मींस एक स्टडी के थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड को क्या किया गया है, डे के अकॉर्डिंग उसको काउंट किया गया है, पार्ट्स पर मिलियन, दैट मींस कितने पार्ट्स पर मिलियन लग रहे हैं, कितने डेज के लिए गिवन है डेटा, द डेटा ऑब्टेन फॉर 30 डेज के लिए गिवन है, तो जो हमें डेटा गिवन है इस डेटा से हमें क्या बनाना है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग को बनाना है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें क्लास इंटरवल देते हैं, दैट मींस यहां पे आपको क्लास इंटरवल दिया है 0.00 से 0.04 ऐसे लो, तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल देंगे, क्लास इंटरवल नेक्स्ट, अगर हम लोग चाहें तो टेलीमार्क्स बना सकते हैं ना, अगर टेलीमार्क्स नहीं बनाना है तो भी हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं बिना टेलीमार्क्स के। तो सेकंड क्या है, नंबर ऑफ डेज, सेकंड हम लोग क्या लेते हैं, नंबर ऑफ डेज, कितने डेज हैं डेज ग्रुप में है, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना है, 0.002 0.04, नेक्स्ट क्या होगा, 0.04 to 0.08, नेक्स्ट 0.08 to 0.12 0.12 to 0.16 0.16 to 0.20, हम लोग को इसमें देखना है सबसे मैक्सिमम कहाँ कितना है, वहाँ तक बनाना है, तो मैक्सिमम उसमें 0.22 तक आया है, तो 0.202 0.24 यहाँ तक होगा। अब इसमें हम लोग को नंबर ऑफ डेज काउंट करना है, बट इसमें याद रखना है कि जो फर्स्ट हम लोग क्लास इंटरवल लिखे 0.002 0.04, इसमें 0.4 इंक्लूड नहीं होगा और इसमें 0.4 इंक्लूड होगा, दैट मींस इसमें क्या होगा 0.04 नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड, दैट इज इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसमें 0.04 इंक्लूड नहीं होना चाहिए।
टू 0.04 के बीच। तो 0.00 से 0. क्या क्या होगा, 0.00 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.02 हो सकता है, 0.03 तक इतने नंबर्स को क्या करना है, काउंट करना है। तो आप इतने नंबर्स को काउंट करोगे तो कितने आ रहे हैं इसमें काउंट करने के बाद, 4। तो नंबर ऑफ प्लेस कितने आ रहा है, 4। ऐसे सेकंड 0.04 से 0.08 तक काउंट करेंगे तो 0.04 इंक्लूडेड है, 0.04 लेना है, 0.05, 0.06 और 0.07, बट 0.08 उसमें नहीं है तो 0.08 को काउंट नहीं करना है। तो इसमें इस तरीके से जो काउंट करेंगे आप तो कितने आ रहे हैं, टोटल 9। काउंट करने के बाद 9। नेक्स्ट 0.8 से 0.12 में कितने आ रहे हैं, 9। नेक्स्ट 0.12 से 0.16 में 2। 0.16 टू 0.20 में 4। 0.20 से 0.24 में 2। अब इसमें हम टोटल फाइंड करेंगे, टोटल तो टोटल कितना होगा, हम लोग पूरे को ऐड करेंगे, 84, 22 प्लस 2 24 एंड 6 30, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 30। और हम लोग को नंबर ऑफ डेज कितने टोटल गिवन है, 30 डेज का हम लोग को डेटा गिवन है, तो ये 30 आ रहा है, दैट मींस ये करेक्ट है। अब इसमें हम लोग को और भी सेकंड क्वेश्चन गिवन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.1। क्या लिखा है हम लोग को, मोर देन 0.1, तो 0.11 नहीं होना चाहिए, तो यहां तक 0.1 है यानी इंक्लूडेड नहीं है, 0.11 इंक्लूड था। सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग दे रखा है, मोर देन 0.1 नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, तो 0.11 से ज्यादा दैट 0.12 हो सकता है, तो 0.12 से काउंट करना है, तो 4 एंड 2, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 दैट मींस 4 8, और इस तरीके से 8 डेज होंगे जो 0.11 से मोर देन। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, डेटा बनाना है, डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो एक्सरसाइज 14.2 के पूरे क्वेश्चन आप करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।